प्रदेश सरकार इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में राज्य में ग्रामीण खेल ओलंपियाड का आयोजन करेगी। इस आयोजन में प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में 40,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बिलासपुर में 31वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर कहा कि ग्रामीण खेल ओलंपियाड का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें खेल मैदानों की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है और इसके लिए सभी खेल संघों के साथ सकारात्मक संवाद के प्रयास जारी हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत सरकार को प्राप्त धनराशि का उपयोग खेल मैदान और खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने पर किया जा रहा है, ताकि राज्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सके। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को अपने अपने क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के हर ब्लॉक में रहने को भी प्रेरित किया। लेकर स्टेट लेवल तक हम जो है ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाने जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन जो है टेंटेटिवली करीबन करीबन जो है उसमें फिगरेटिवली करीबन 40,000 यूथ उसमें जो है वो प्रदेश के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और हम हर फैसिलिटी अपने युवा साथियों को देने के लिए वचनबद्ध भी है और उनको आगे ले जाने के लिए जो हमसे हो सकता है उसमें पूरा सहयोग हम आने वाले समय में आपको देंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। खास करके जो आज ड्रग बैनिंग आज प्रदेश के अंदर है, मुझे खुशी है आज इस बात की कि आप सब जो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आए हैं, ये आप लोग अपने अपने क्षेत्र से जिस जिस जिले से आप यहाँ पर आए हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे चंबा है, सोलन है, हमीरपुर है, आप उस क्षेत्र के मैं कह सकता हूं कि ब्रांड एम्बेसडर्स है और वहां पे आपने ये संदेश देना है कि हमने नशे से दूर रहना है। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुमन रावत मेहता ने इस मौके पर कहा कि इस प्रतियोगिता में 550 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एथलेटिक फेडरेशन के सचिव सीपी मेहता ने इस मौके पर लोहणू स्थित सिंथेटिक ट्रैक को खिलाड़ियों को निशुल्क उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।